यहाँ पे आप अपनी बाइक लेके आए हो? नहीं यार, नहीं लेके आई मैं। अच्छा राइडर है? अच्छा 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 क्या करवाया? क्या वो मॉडिफाई? सही है सही है सही है। कितने गियर होते हैं बाइक में? चलो फिर रेस करते हैं, चलो चलो गो। तो भाई आपके पास 10 और ले लिया, वहां सुनो क्या बात है गाइस। देखो आपको ये साइकिल पे भी नहीं मानते, देखो हॉर्न सुनो इसका क्या बात है। बच्चों के साथ ना अलग ही मजा है भाई, नेक्स्ट लेवल मजा है भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल राजा डीसी। तो गाइस कम से कम आज मैं 7-8 दिनों के बाद गाइस इंट्रो कर रहा हूं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई अपनी आराध्या टैलेंट ने। जैसा गाइस आपको पता है भाई, मेरी बाइक मतलब कंपनी में लगी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं पता भाई क्या थी। तो अभी कंपनी जाएंगे भाई, कंपनी वाले तो ये बोलते भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो थोड़ी बहुत मिसिंग हो रही थी गाइस वो ठीक हो चुकी है। तो अभी भाई इधर निकल रहा हूं, हम रात को भाई चंडीगढ़ वापस आ गए थे, मैं और जानू, वो भी भाई फ्रेश हो रहा है। तो भाई मैं रेडी हो चुका हूं जैकेट वगैरह पहन के। तो अभी भाई मैंने बाइक को बुलाया हुआ रोड से बाबा को, तो भाई उनकी आरसी पे भाई मैं जाने वाला हूं भाई कंपनी, वहां से अपने RR 310 लाएंगे। और बहुत सारे बंदे भाई डीएम करते थे इंस्टा पे कि राजा भाई ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। भाई हम जम्मू गए हुए थे, हमने सोचा था कि भाई हम जम्मू जाके ब्लॉग्स वगैरह करेंगे। तो पहले बाल थोड़े सेट कर लेते हैं। तो हमने सोचा था भाई जम्मू जाके हम ब्लॉग्स वगैरह करेंगे, बट जम्मू जैसे हम गए भाई वहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा थी कि भाई ब्लॉग्स हमसे हो नहीं पाए। जानू भी मेरे को यही चीज बोल रहा था कि राज्य हमने सोचा था भाई जम्मू जाके ब्लॉग्स करेंगे, तो भाई हमसे एक भी ब्लॉग वहाँ पे नहीं हो पाया। बट जानू ने तो फिर भी एक आधा किया होगा, बट मेरे से तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा बहुत काम घर वालों के साथ था भाई, क्योंकि मम्मा ने कहीं पे जाना था तो उनकी शॉपिंग में थोड़ा बिजी रहा। बट चलो कोई बात नहीं, अब मैं आई होप कि चंडीगढ़ तो हूँ, कोशिश करूँगा गाइस आपके लिए मैं ढेर सारे ब्लॉग्स करूँ। और भी भाई बड़ा कुछ नया सोचा हुआ तो वो अब करेंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट के पहले इधर से निकलते हैं, चलते हैं भाई अपनी RR 310 लेने। बड़े दिन हो गए भाई अपनी बाइक नहीं देखी, आपको पता भाई बाइक तो अपनी जान है भाई। जितने भी भाई हम राइडर्स होते हैं हमारे लिए भाई बाइक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और आपने देखा भाई जैकेट भी मैंने वेयर कर ली है, जब ये जैकेट हम वेयर करते हैं तो भाई आपको पता भाई बॉम बॉम लॉग्स आते हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के इधर से निकलते हैं और आज का सीन देखते हैं क्या रहता है। ये अपनी गाड़ी और अपनी गाड़ी की जो हालत आपको पता भाई बुरी हो रखी है, गंदी हो रखी है, क्योंकि भाई रात को हम जम्मू से आए थे। और ये रहे भाई अपने भाई, कैसे हो भाई, ठीक हो? पहले तो आपके फेस की क्या हालत है? तो गाइस अब देख रहे हो भाई काफी ज्यादा बाइक जो निशान है कवर हो रहा है। तो बस फटाफट अपना भाई, तो आपको पहले पहले पता है भाई स्मार्ट तो है ही रोडू से बाबा। और बाकी जो लोग भाई से जलते हैं वो उनको जलते रहो, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। भाई ऐसी मेहनत करता रहेगा भाई, जिस हिसाब से भाई को लगी थी अगर किसी और इंसान को लगी होती ना, वो इंसान कम से कम 1-2 महीना बेड पे रहता। भाई ने सिर्फ 4-5 दिन वेट किया, हेलमेट डाला और व्लॉग्स बनाने लग गए। तो बस जाके ये नाम आप एक बारी देख लो, रोडू से बाबा, जाके भाई के 100K करो। और भाई ने पहला सिल्वर प्ले बटन लाना भाई अपने रोडू से। तो उस दिन भाई जितने बंदे रोडू से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो भाई ये बंदा ना भाई आपके शहर के लिए बड़ा कुछ करता है। तो हाँ, तो एक ये है, एक बंदा बहुत कुछ करता है और एक ये बंदा जो सिर्फ सोता रहता है। तो क्या सीन है, जल्दी लाओ बाइक पे चले व्लॉग बनाने। पक्का पक्का ना? चलो ठीक है भाई, अब कुछ ले रहा है, बड़ा कुछ लेता जानू आपको बताया। तो अभी निकलते फटाफट, पहले अपनी बाइक लेकर। तू तो फ्रेश हो जा जल्दी। हाँ फ्रेश है, बस बोलता रहता है फ्रेश हूँ, होता है नहीं ये फ्रेश, सोया रहता है। उससे पहले गाइस मैं उठ जाता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, उसके बाद ये बोलता हाँ मैं फ्रेश हूँ। गाड़ी भी भाई वॉश करवाएंगे, गाड़ी भी गंदी हो रखी हुई है। चल ठीक है, ओते 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 बैठो सर। हैं ट्रिमर लेके जो तू करता है ठीक है चिकने। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं। और भाई आपको पता भाई एग्जॉस्ट लगाया हुआ है भाई, सबसे पहले ना जूस पी लेते हैं, क्योंकि भाई खाना तो आपको पता भी सुबह सुबह खाया नहीं है। ब्लॉग के लिए हम यहाँ से निकले हैं क्योंकि भाई घर पे मम्मा होती है, तो मम्मा बेड पे खाना देती है कि ले राजा बेटा खाना खा। और बाहर आके आपको पता भाई सब कुछ खुद देखना पड़ता है। भैया दो जूस बना दो मिक्स। तो गाइस ये देखो, जैसे अभी आपको पता आपके भाई ने मतलब शूज़ वगैरह, तो मेरे को इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना भाई, मैं इतने शूज़ लेता हूँ हर महीने, तीन दो शूज़। बट देखो जैसे अभी नया शूज़ लेना, अभी गियर वगैरह डालेंगे, शूज़ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना इससे, मैं आपको क्या बताऊँ यार। ये देखो मेरे को सोच रहा हूँ कि दुख भी लग रहा है कि भाई क्या करें, बट बाइकर को फेस करना पड़ता है। सही बात है, ये हर बाइकर को फेस करना पड़ता है, जितना मर्जी महंगा शूज़ लो बट ये निशान आपको देखने को मिल ही जाएगा। बट चलो कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे। तो अभी जूस पीते हैं फटाफट, देन उसके बाद चलते हैं। हाँ जी जी बोलिए। हैं कहाँ पे, इधर क्या है, इधर क्या है, उधर पार्किंग है, कहाँ लिखा है, लिखा हुआ है तो फिर उधर भी नहीं लिखा है। अच्छा तो इधर रहने देते, 2 मिनट बस बाइक लेने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है ओके, लगाना मंजुल भाई।
गैस वहाँ पे कहीं पे पार्किंग लिखा नहीं बट वहीं पे लगानी है, बट चलो वही बात नहीं लगा दो यार। सुबह सुबह बहस करने का मूड नहीं अभी मेरा। तो गैस अभी हम आ चुके हैं भाई TVS शोरूम, तो यहाँ से देखते हैं भाई अपनी बाइक का क्या सीन है क्या नहीं। तो अपनी बाइक लेते हैं और एक तो ये मंजिल भाई एग्जॉस्ट बहुत देते हैं यार इनको, ये बहुत गंदी आदत है ऐसे बूम 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 करने की। जब इनकी क्लच प्लेटें उठती है ना तो तब भाई ये रोते हैं। फिर मैं आपको टाइम बता देता हूँ भाई, टाइम हो क्या गया है भाई, टाइम देखो 12:37 हो गए हैं और बड़े दिनों के बाद अपने घोड़े को देख रहे हैं अपनी RR 310 को। तो अपनी RR 310 अंदर ही है, तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं अपनी RR 310 किस हालत में खड़ी है भाई। बड़ा मिस किया अपनी बाइक के अंदर, क्योंकि आपको पता है भाई हम बाइक्स लवर हैं, तो भाई हमारी बाइक्स हमारे हाथों में होनी ही चाहिए। जी जी, तो चलो गाइस आओ मैं दिखाता हूँ आपको हमारी बाइक कहाँ लगी और शूज़ की बुरी हालत हो चुकी है। ये लगा हुआ अपना घोड़ा एकदम बॉम तरीके से भाई, मतलब देखो गाइस इतनी सारी बाइक्स यहाँ पे लगी हुई है ना, तो भाई ये कुछ अलग ही लग रहा है भाई बीच में खड़ा हुआ है। तो चलो इसकी चाबी वाबी लेते हैं, चाबी इसमें लगी हुई है भाई, देखें कहीं तेल शेल तो नहीं निकाला इन्होंने कहीं इसमें से, क्योंकि आपका भी हमेशा टैंकी फुल ही रखता है इसकी भाई। गाइस ये रहा गेट पास, अपनी बाइक हो चुकी है ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी भाई। आपको पता है जानू बिल्ली वगैरह मारता रहता, तो इसके अंदर से ना थोड़ा सा कुछ ढीला हो गया हुआ था सामान वगैरह, तो बस वही टाइट करवाया था, उसकी वजह से मिसिंग मारी थी। अभी से अंकल को भैया देनी पड़ेगी। हेलो अंकल जी, जाए अब हम, शुक्रिया चले सर। क्या काम था इसमें? कुछ नहीं, जानू बिल्ली वगैरह मारता रहता ना, तो अंदर से कुछ ढीले हो गए थे नेट वगैरह, उसकी वजह से मिसिंग मार रही थी। अच्छा। तो वही प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी तो आपको पता यार अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम पहले भी थी। तो जो आपको पता आपके बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आती है मैं भाई रिपेयर नहीं करवाता हूँ, सीधा पार्ट ही चेंज करवाता हूँ भाई, चाहे जितना मर्जी महंगा हो चाहे सस्ता हो, क्योंकि मेरे को मेरी बाइक में ना कोई दिक्कत नहीं चाहिए भाई। कैसे हो, कैसे भाई कैसे हो, बढ़िया? और कहाँ से? चंडीगढ़ से हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताओ बाकी बढ़िया? आओ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो गैस मेरी बाइक में भी तेल बिल्कुल ख़त्म है और भाई की बाइक में भी तेल ख़त्म है, पता नहीं भाई पेट्रोल पंप कब तक हम पहुंचेंगे। तो अभी अपने प्यारे से सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं, तो कुछ बोलना चाहते हो वीडियो में भाई? वो भाई ओ भाई भाई आपके साथ ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, छोटा मोटा बस एक्टिवा भी करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, एक्टिवा हाँ बिल्कुल हो। तो सारे बंदे ऐसे भी है भाई जिन्हों का ड्रीम एक्टिवा भी होती है, किन कईयों का ड्रीम बाइक्स भी होती है। तो मैं तो चाहता हूँ भाई जिस जिस बंदे का जो जो भी ड्रीम लाइफ में है, भगवान उन सबका ड्रीम पूरा करे। और जो भी भाई अभी से मोटो व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो भाई फुल सपोर्ट है भाई। मैं तो भाई हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ जितने भी मेरे साथ मेरे भाई हैं या और भी भाई जो बंदे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो ज़रूर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वो देख रहे हो भाई, ये आपको मैं पावर दिखाता हूँ RR की, देखो बाय बाय भाई घोड़ा। बस इसको हराता तो सिर्फ जानू की बाइक हराती है इसको, ड्यूक 390, क्योंकि आपको पता भाई KTM की जो पावर है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। चलो भाई भगाओ 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 भगाओ। ओ भाई मंजुल भाई ने पूरा जोर लगा दिया भाई, ये देख रहे हो, भगाओ भगाओ भगाओ। ओ भाई छोटा कुत्ता जा रहा भाई रोड पे भाई, ये चीज़ ना एक्सीडेंट करवाती है, ये देख रहे हो ये अभी मैं तेज़ होता ना तो कुत्ते पता क्या करते हैं भाई, अचानक पीछे वापस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ना भाई इतना तगड़ा क्रैश होता ना बाइकर्स का। बाइकर्स कभी भी ना अपनी गलती की वजह से ना बहुत कम गिरते हैं, बट जो रोड पे जैसे कि लोग कोई ब्रेक नहीं मारेगा, कोई आके सीधा आगे आ जाएगा, जैसे कोई जानवर आगे आ जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने कुत्ता दिखाया भाई, सबसे ज़्यादा भाई हम राइडर्स को ना इन जानवर से बड़ा डर लगता है, वो भी खास करके भाई रोड पे जब ये मतलब तेज़ होते हैं ना भाई। गाड़ी हो चुकी है अपनी बॉम तरीके से वॉश भाई, चेक कर लो भाई क्या प्यारी लग रही है। कल जब हम रात को ऐसे ना भाई इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी ना, तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी मतलब बाइक वगैरह भी वॉश कर लेते हैं, बट देखते हैं क्या सीन रहता है। नहीं क्या नाम है तेरा, नाम बता पहले, फिर टॉफी दूंगा एक। मेरा नाम है अतुल। अतुल अतुल है तू? अच्छे अच्छे से साफ करना इसको, पूरी चमका दे ठीक है, एकदम न्यू बना दे इसको। तो गाइस देखो बाइक भी गंदी हो रखी है, मैं सोच बाइक भी धुलाऊं, बट अभी ना गाड़ी धुला ली, बट अभी टाइम नहीं, ब्लॉग के लिए निकल रहे हैं। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं हम राइड पे, तो भाई अभी हम जाएंगे स्टंट पॉइंट वाली साइड, क्योंकि वहां पे आपको पता भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस जानू ने करनी है। और जो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो अभी हमने देखनी है, तो वो भी भाई हम देखेंगे जाके कि क्या सीन रहता है भाई क्या नहीं। तो चलो पहले यहाँ से फटाफट निकलते हैं और चलते हैं भाई वहां पे। और भाई बाइक क्या भाग रही है यार, एक नंबर भाई बॉम्ब भाई। जो नई चीज़ तूने देखने जाना है वो कब जाना है? जा रहे
भाई बहुत बॉम्ब चीज आने वाली है, एक वो भी वो दिल्ली वाली चीज तो आ रही है जो इधर चंडीगढ़ में देखी वो तो बता। तो कैसे भी हवा वगैरह बुराने आए थे तो भाई मैंने भी अपनी बाइक को ना थोड़ा बहुत साफ कर ही दिया है, तो अभी इधर से निकलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। तो ओ भाई यहाँ पे आप अपनी बाइक लेके आए हो? अच्छा राइडर है? अच्छा 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 आप भी राइडर हो? राइडर हैं? राइडर हैं? ओ नहीं ओ भाई क्या करवाया? क्या वो मॉडिफाई? सही है सही है सही है। अपने आपको भी कराना है? आपकी सिंपल है मॉडिफिकेशन का चलान जरूर होता है, क्या फायदा करा दे। कहाँ कहाँ पे राइड्स वगैरह करते हो आप? ज़्यादातर माउंटेन्स में। और तो आप अपनी बाइक यहाँ पे ले आते फिर यहाँ पे राइड करते हैं हम साथ में सब? हाँ कर तो सकते हैं, बट अभी आपके साथ हेलमेट नहीं है, यहाँ पे नाका लगाओ आपको 2 मिनट में अंदर डाल देंगे पुलिस वाले। हाँ साइड पे कर सकते हो। प्रॉपर आती है ना चलाना आपको? कितने गियर होते हैं बाइक में? ओ भाई 4 होते हैं, थोड़े से 2 और बढ़ा लो। अच्छा ये बोलो ना आप हमारा मौजू ले रहे हो यार एमटी में? तो आप हमारा मौजू ले रहे 3। चलो ठीक है ठीक है, बट अभी आप यहाँ पे बाइक कैसे लोगे? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। एक काम कर, जहाँ पे तू स्टंट प्रैक्टिस करता है फिर वहीं पे देख ले। है ये डर रहा है इसकी बाइक है ना? लो है, अगर वो बाइक लवर है तो उनको बाइक की कीमत पता है भाई क्या होगी क्या नहीं। चलो ये चलते हैं, चला लेना फिर। फिर एक काम कर, जहाँ पे तू स्टंट प्रैक्टिस करता वहां तक चल ले, अगर अगर फ्री है तो पूछ ले पहले इनको। चलो फिर। तो चलो गाइस मैं पहले ही अपनी बाइक पे बैठ जाता हूँ, ये ना कि वो मेरी बाइक मांग ले। मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी बाइक पे बैठ जाता हूँ, ये ना वो मेरी बाइक मांग ले, आपकी दे देगी कोई चक्कर नहीं। क्या ये चला लोगे आप? वो आरसी बोल रही है तो आरसी ही चलाएंगे। मेरी बाइक गिराने के चक्कर। हाँ चल चल फिर। हाँ मेरे पीछे बैठ जाओ। तो गाइस ये देखा अभी मतलब हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो भाई लड़की असम से है। सिक्किम बोला इसने। वो कहाँ पे है भाई? मेरे को तो असम लगा तो। हाँ भाई मैंने पूछा भाई कितने गियर है बाइक में, बोलते भाई 3। तो अभी वो हो रही है भाई मेरे को बाइक वगैरह चलानी है। तेज चलाने से डर लगता है? बाइक तेज चलाने से डर लगता है आपको? खींच थोड़ी सी चलना फिर, खींच थोड़ी सी। चलो फिर रेस करते हैं, चलो चलो गो। भाई बोल रही मैं बाइक राइडर हूँ और ये अभी डर रहे हैं यार। तो भाई अभी हम आ गए खाली जगह पे और देखते हैं भाई ये लड़की यहाँ पे बाइक चला पाएगी या नहीं। और मैंने अपनी बाइक तो नहीं दिया इनको, इनकी बाइक दिया भाई, बाबा भाई की बाइक। बाइक के साथ इनके कपड़े भी मैच हो रहे हैं, गैंग आ गई भाई पीछे। साइड हो जाओ, लास्ट टाइम भी आपको पता ना लग गई थी आपको। कर दो साइड पे थोड़ी सी। देखा लड़की बाइक चला रही है, वो देखो
आपसे तो अच्छी चला रही है। ओए रुको, चलान होगा आपका। कहाँ भाग रहे हो? वो गिरा गिरा क्या साले, आराम से चला ले। यार मुझे साइकिल चलाने दे अपने यार भाइयों का, चला लूं। पैर पैर दिया ओ रे लाओ, ये देख रहे हो। लो है। कैसा लगा आपको बाइक चला के? सुकून। अब थोड़े स्टंट्स भी देख लो फिर और सुकून आएगा। कितने टाइम से? 5-6 महीनों से। तभी मैं सोचती हूँ क्यों बदल गया। थोड़ा तो है वो, मैंने उनको बताया था। वो अगली बारी चला, वो अगली बारी चला लेना। उसी में होगी। बट भाई आरआर पे क्या लुक लगती है लड़की की, देख रहे हो? क्या बात है भाई। ओए छोटे साइड हो जाओ, लग जाएगी आपको, साइड साइड हो जाओ। गिराना नहीं यार। ओ ओ ओ भाई क्या बात है भाई, क्या ही बात है, बॉम्ब यार, सही है भाई। आजकल की लड़कियां कहाँ मानती है भाई, लड़कों को नहीं बाइक चलाने आती भाई। तो देखो लड़की आ रहा थी टेन चला रही, सही बात है ना। क्या नाम? हाँ राधा, राधा डीसी। कौन ले लो वीडियो बना मेरी, ए ले बन रही है, बन रही है, बस पकड़ के रख मोबाइल। ठीक है साइड हो जाओ, मैं साइकिल चलाता हूँ, पीछे हो जाओ। बना वीडियो, बन रही है, कैसी तगड़ी वाली आरएस? आजा मैं भी आए आरएस, आजा। क्या बात है गाइस, देखा आपको, ये साइकिल पे भी नहीं मानते, देखो हॉर्न सुनो इसका। क्या बात है, बच्चों के साथ ना अलग ही मजा है भाई, नेक्स्ट लेवल मजा है भाई। रूबर को ठोक नहीं देना यार, वीडियो बन रही है भाई। इधर आके ना नेक्स्ट लेवल मजा आता है भाई, मजा आ रहा है राउंड लेके। चलो सही है यार, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई यहाँ पे यार। और अभी हम निकलते हैं, वो देखो भाई टाइम बता देता हूँ आपको भाई, टाइम देख लो भाई, 4:48 बोल रहा हूँ, 4:29 और इस पर भी 4:29। तो गाइस दो मोबाइल है भाई के पास, एक पे आपके मेरे मम्मा की फोटो लगा रखी है और एक पे पापा की, क्योंकि यही जो दो इंसान है मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी है बट मम्मा पापा तो आपको पता भाई सबसे पहले हैं, उसके बाद भाई और भी हैं। हाँ जी हाँ, भूसा पता नहीं कहाँ है भाई। ओए चप्पल पहना करो चप्पल। अब भाई आप मेरे को छोड़ के बार बार लड़की के पास जा रहे हो, क्या चक्कर है? लड़की पस, लड़की लड़की पसंद तो नहीं आ गई कहीं आपको? मैं लड़की कहीं पसंद तो नहीं आ गई आपको? अरे मेरे को पसंद आएगी क्या फायदा मेरे को, हाँ तो कोई लड़की करती। क्यों नहीं करेगी हाँ आपको भाई, सब लड़कियाँ यहाँ पे मरती हैं। तो चलो भाई चलते हैं। ओके भाई बाय बाय, ओके बाय 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 बाय, ओके दाने बाय बाय भाई। इनके सामने एक तो अलग ही फील होता है भाई, क्योंकि इनके फेस पर जब स्माइल आते हैं ना इन सब चीज़ों को देख के,